हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रीवियस वीडियो में हम बीएड का पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम, पेपर सेकंड असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड पेपर थर्ड क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इनका पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम फोर्थ पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर टोटल 40 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स को इस पेपर में 1.5 घंटे का टाइम दिया गया। इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन फर्स्ट कंपलसरी है और फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से स्टूडेंट्स को एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसमें ए पार्ट है पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन। इसका बी पार्ट है रोल ऑफ ए टीचर एज ए काउंसलर, परामर्शदाता के रूप में एक अध्यापक की भूमिका। फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इन डिटेल। शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है What are the different types of counseling? Discuss the process and importance of directive counseling. परामर्श की विभिन्न प्रकार क्या क्या है, निर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है Define interview. Explain its benefits for the study of an individual. साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। एक व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए इसके क्या क्या लाभ है वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द गाइडेंस सर्विसेज इन योर स्कूल। व्हाट विल बी द रोल ऑफ स्कूल प्रिंसिपल इन सपोर्टिंग सच सर्विसेज। डिस्कस आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाएं किस प्रकार आयोजित करेंगे। इन सेवाओं के आयोजन में विद्यालय मुख्य अध्यापक किस प्रकार सहायता कर सकता है चर्चा कीजिए। यदि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।